नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत कर रहे हैं लखनऊ में। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को बर्खास्त नहीं किया गया। बता दें कि कांग्रेसी नेता बिना वैक्सीनेशन परीक्षाएं करवाए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ में कांग्रेसी नेताओं ने डिजिटल तरीके से भी अपना विरोध जताया है। योगी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। 40 बड़े घोटालों की सरदार है योगी आदित्यनाथ जी। बेसिक शिक्षा मंत्री जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप है, फिर भी सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। उनके भाई ने EWS दिखाकर प्रोफेसर की नौकरी प्राप्त की, जबकि उनकी बीवी मोतिहारी डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर है। पिछले समय बेसिक शिक्षा मंत्री खुद एक लेक्चरर, उनकी पत्नी लेक्चरर, 2017 में उन्होंने अपना आर्ट। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रेसवार्ता की है और मोदी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने प्रेसवार्ता में कहा कि सीएम योगी पर वार करते हुए उनका कहना है कि इस सरकार ने आपदा में घोटाला किया। इसी के साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पर हमला करते हुए उनका कहना है कि उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। संजय सिंह ने कहा है कि मंत्री बनने के बाद सतीश द्विवेदी ने करोड़ों की जमीनें खरीदी, मीडिया के समक्ष कुछ दस्तावेज पेश किए और पूछा कि मंत्री बताएं कि इन जमीनों को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। जनता देखना और जानना चाहती है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है, कहीं बच्चों के मिड डे मील का पैसा खाया जा रहा है, स्वेटर का पैसा खाया जा रहा है, जूते का पैसा खाया जा रहा है, बस्ते का पैसा खाया जा रहा है, और इन पैसों को खाके प्रदेश सरकार का मंत्री प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बना रहा है, एक के बाद दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरे के बाद तीसरी प्रॉपर्टी, परिवार के सभी सदस्यों के नाम पे प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी सतीश द्विवेदी जी की और मिली है, ये उनके भाई हैं अनिल कुमार पुत्र अयोध्या प्रसाद, ग्राम सनिचरा इटवा, ये मंत्री। कानपुर देहात में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में टीम 9 की समीक्षा बैठक हुई। यह समीक्षा बैठक कोरोना महामारी को लेकर की गई। इस समीक्षा में पाया गया कि अब जिले में मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। जिले में कुल 40 एक्टिव केसेस बचे हैं, 2 नए केसेस आज सामने आए हैं, जबकि L1 में कोई भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। अब जिले में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि आमजनों को कैसे कोरोना महामारी के प्रभाव से बचाया जा सके। इसी के साथ में डीएम ने यह भी कहा कि पशुओं के लिए भी भरण पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अलीगढ़ से 2 समुदायों के बीच विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें गंभीर रूप से अपना लिया गया है। दरअसल टप्पल थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बारात रोकने से नाराज करीब 125 हिंदू परिवारों ने अपने दरवाजे पर मकान बिकाऊ है लिखकर सनसनी फैला दी। सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हुई तो पुलिस सतर्क हुई। गांव के एक व्यक्ति की तहरीर पर समुदाय विशेष के 11 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हो गई है। नूरपुर की घटना के संबंध में मेरे द्वारा, SDM खैर के द्वारा और प्रहरी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गाँव का भ्रमण कर लिया गया है। इस तरह की अब वहाँ पे कोई बात नहीं है। 26 तारीख की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर कानपुर देहात में विधायक कोरोना महामारी से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। गांव-गांव का निरीक्षण किया जा रहा है और लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, साथ ही कोरोना की दवा भी लोगों को बांटी जा रही है। विधायक प्रतिभा शुक्ला ने बताया है कि लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत भ्रांतियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों का वैक्सीनेशन भी जारी है। कुछ लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया वैक्सीन को लेकर के, और माननीय मोदी जी का भी कहना है और योगी जी का भी कहना है कि हम लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं गांव-गांव जाकर के लोगों का भ्रम दूर करें। तो आज जो चूंकि आज बहुत ही पुनीत दिन है, जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं, ये तमाम जो
कुछ पुराने जितने भी तमाम दिक्कतें थी उन दिक्कतों को खत्म करते हुए एक नया रास्ता बना करके एक नया भारत बनाने के लिए जो मोदी जी ने रात दिन प्रयास किया है, रात दिन काम किया है, 4 घंटे सो करके बाकी उन्होंने 18-18 घंटे काम किया है, तो हम लोग भी उनसे जो है कर हम इस बात को शिक्षा लेकर के हम लोग भी गांव-गांव जा रहे हैं। हम लोग कोरोना होने के बावजूद भी हम लोगों ने कभी परहेज नहीं किया। आज हम लोग बड़ा गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि मोदी जी ने इतना संघर्ष के साथ इस महामारी से निपटने का कार्य किया और हमारे प्रधानमंत्री जी को चिंता, लेकिन चूंकि महामारी बहुत भयंकर थी इसलिए हमारे बहुत सारे लोग अपने जो थे हमारे बीच से चले गए, तो हमने सोचा अपनी विधानसभा में जाकर अपने लोगों को कोरोना की दवा के लिए और वैक्सीन लगाने के लिए सजग किया जाए, क्योंकि ये लोग डर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों को ने भ्रम पैदा किया है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन की 29 सिरिंज कचरे में फेंकी गई। इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर केस दर्ज किया। मामले को लेकर जानकारी दी गई है कि कोविड पोर्टल के अनुसार 200 लोगों का टीकाकरण किया गया और टीकाकरण के दौरान ही अस्पताल की ओर से लापरवाही की गई। वहीं पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट ने मामले पर टीकाकरण कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल इस मामले में पूरा स्टाफ हटा दिया गया है। जमालपुर CSC पे लगभग एक हफ्ते पहले ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे कोई कर्मचारी जो है वो वैक्सीन लगाने के लिए सुई तो इंसर्ट करता है बॉडी के अंदर लेकिन दवाई इंसर्ट नहीं कर रहा है, तो ये सीरियस मैटर था और हम लोगों ने इस पर जल्दी से जल्दी जांच करा के कार्रवाई करने के लिए टीम गठित की थी, जिसको जिन्होंने 2 दिन में हमारी जाँच रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद उसको हम लोगों ने DGS के सामने ले गए और DGS ने जो डिसीजन लिया उसके हिसाब से हम लोगों ने कार्रवाई किया। फिलहाल हम लोगों ने वहाँ से डॉक्टर को हटा के जो उसका मूल तैनात स्थान था वहाँ भेज दिया, उसके 2 इंक्रीमेंट रोक दिए। जो कर्मचारी जिसके बारे में ये कहा गया था कि उसने ऐसा किया है उसको। औरैया के दिव्यापुर थाने में तैनात एक उप निरीक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। राहगीरों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी, साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उप निरीक्षक की मौत हो जाने से पुलिस महकमे में शोक की लहर व्याप्त है। आज सुबह प्रातः 9:30 बजे एक दुखद घटनाक्रम दिव्यापुर थाने में तैनात SI श्री पवन यादव, उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। उनके परिवार में उनके पत्नी और 2 बच्चे हैं और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कार्रवाई हमारे द्वारा इसमें की जा रही है और जो उनका परिवार है उसके प्रति हमारे द्वारा संवेदना और शोक। बुलंदशहर के BV नगर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते गाड़ी सवार बदमाशों ने फायरिंग करते हुए युवक का अपहरण कर लिया। मामले को संज्ञान में लेते हुए SSP ने 5 टीमों का गठन करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। परिवार वालों ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के सदस्यों की तलाश जारी है। सूचना दिनांक 28/5 की शाम को मिली थी कि शाम को लगभग 6 बजे के आसपास उसी गांव के रहने वाले प्रमोद, जो BDC का चुनाव जीते हैं, तथा उसी गांव का रहने वाला सौरभ, दोनों एक ही व्याप्त के हैं, और सौरभ के द्वारा ये बताया गया कि अपने कुछ साथियों के साथ प्रमोद को अपनी गाड़ी में लाद करके कहीं ले जाया गया है बलपूर्वक। इस सूचना पे अपहरण का मुकदमा तत्काल दर्ज किया गया। 5 लोगों को नामित किया गया था प्रथम सूचना रिपोर्ट में, जिसमें गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र में तमंचे के बल पर बदमाशों ने ग्राहक सेवा संचालक के दफ्तर में घुसकर 2 लाख की लूट को अंजाम दिया। लूट के दौरान संचालक के विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। घटना की जो पूरी तस्वीरें हैं वो CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं। सूचना मिलने के बाद में मौके पर ADG और SSP ने घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को लगा दिया है। अभी गुलरिया थाना क्षेत्र में बदरट चौकी क्षेत्र में एक आयान इलेक्ट्रॉनिक्स करके जो जनसेवा केंद्र वगैरह जो चलाते हैं उनके यहाँ 8:30 बजे 9:15 बजे के बीच में 3 अज्ञात लोग आए थे, जो मुंह मास्क भी पहने हुए थे और 2 मोटरसाइकिलों से 5 लोग हैं, जो 2 लोग बाहर खड़े हुए थे दिखाई दे रहे हैं। 3 लोग अंदर आए हैं और उनसे असला दिखाकर से लगभग 2 लाख की कैश जो वाजी बता रहे हैं उनसे बैग छीन के उनसे मारपीट करके असला दिखा के चले गए। मौके पर हम लोग
जांच कर रहे हैं, आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं, इसमें मुकदमा दर्ज करके उचित धारा। कानपुर देहात के राजपुर थाने में पुलिस ने छात्रों से पूछताछ करने के दौरान उनके ऊपर तवंचे से हमला किया। पुलिस वालों की इस हरकत से नाराज होकर आक्रोशित छात्रों ने सिपाहियों के साथ में मारपीट शुरू कर दी है। मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायल सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मैनपुरी के वेवर क्षेत्र में एक गाड़ी और साइकिल सवार की टक्कर हो गई। इस टक्कर में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। मैनपुरी के भोगांव तहसील के समस्त ग्राम प्रधानों को कपिल मुनि संस्थान ने मास्क और सैनिटाइजर बांटा है। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि एसडीएम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संस्थान के लोगों ने बताया कि महामारी को हम रोकने में कामयाब होंगे और आगे भी कोरोना से जंग लड़ने वालों की मदद की जाती रहेगी। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद में घायलों को हायर सेंटर रेफर किया। वहीं पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। भतीजा लगता था, मारने वाले कौन है? अशोक है, सोहन है, अमित है, रजनीश है, नीरज है, इनको बड़ी बड़ी कार्रवाई दो। ये बच्चे क्या खाएंगे बताओ? कहाँ से इनको कौन देगा? सरकार देगी, कौन देगी? ये देंगे, इनको भराओ घर में, बस और कुछ नहीं मांगिए। एक ईंट उसके सर पे लगी पीछे और चार लाठी उसके सर पे मारी गई। गोली वगैरह भी चलाई? गोली चलाई। राजकिशोर ने छत पर से गोली चलाया ताकि कोई उसको उठाने ना आए। और अशोक और सोहन और वो ये लोग उसको घेर। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में सिलेंडर लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। गैस सिलेंडर फटने से दो बच्चों समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहल्ले वालों की सूचना पर दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसी के बाद में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र में एक दलित व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। इसके बाद में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आजकल जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ बदायूं के नरैनी चौराहे के पास में एक एम्बुलेंस से उतरकर भाग गया शराब का जो नशेड़ी था। शराब के नशे में बेहाल पड़े व्यक्ति को सूचना पर एम्बुलेंस चालक ने पकड़कर बैठाया। इस दौरान शराबी एम्बुलेंस की खिड़की से कूदकर भाग गया। औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पर सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौशाम्बी में घायल चायल चौकी में बिना वर्दी के तैनात सिपाही पत्रकारों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। आरोप है कि बिना वर्दी के तैनात कांस्टेबल संदीप यादव ने पत्रकार के साथ अभद्रता की, उसका मोबाइल छीन लिया। इसी के साथ में पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। फिलहाल इस मामले में पत्रकार ने कांस्टेबल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कौशाम्बी में शादी का झांसा देकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने दो महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के हाथ गिरोह का सरगना भी लगा है। पूरे गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है। एएसपी समर बहादुर ने प्रेस वार्ता में बताया कि हाईवे पर एक गिरोह सक्रिय था जो पश्चिमी प्रदेश के लोगों को शादी कराने के नाम पर लूट रहा था।
रायबरेली जनपद के थाना डलमऊ अंतर्गत गांव पुरौली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर में अकेला पाकर बदमाशों ने घर में घुसकर दो सगी बहनों के साथ में दुष्कर्म की कोशिश की और अपनी नापाक हरकतों में कामयाब न होने पर मोहम्मद नाजिम और रज्जी नाम के गुंडों ने दोनों बहनों की जमकर पिटाई की और धारदार हथियार से सिर पर वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे कि दोनों बहनों को गंभीर चोटें आई हैं। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पर पीड़ित ने एसपी से मुलाकात की है। पीड़िता का कहना है कि एसपी ने जांच कर न्याय का आश्वासन दिया है, लेकिन पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। कह रहे हैं हम जांच करवाएंगे, ऐसा नहीं मिलेगा इंसाफ, कुछ नहीं बोले, क्योंकि सब लोग मिले हुए हैं ना, तो कहां बोलेंगे। कह रहे हैं कि अरे वो तो इसमें जगह जमीन का मैटर है, और उधर भी चोट आई है, जमीन का झगड़ा आपको किससे है? इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।